बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दरअसल पुणे क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर ने न सिर्फ ब्लड सैंपल की रिपोर्ट बदली बल्कि नाबालिग आरोपी को फिजिकल चेकअप में भी क्लीन चिट दे दी। 19 मई की सुबह नाबालिग आरोपी का फिजिकल चेकअप हुआ था और बताया ये जा रहा है कि जो ब्लड सैंपल लिया गया था वो भी किसी और का था, वो ब्लड ही किसी और का ले लिया गया, तो उसमें अल्कोहल कहां से मिलता भला। आपको बता दें कि दो डॉक्टर्स पर इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे मामले में एक्शन क्या कुछ आगे लिया जाएगा ये भी देखने का विषय होगा। और अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि जो ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ इसमें पैसे लेकर के आरोपी को बचाने की कोशिश की गई। 19 मई की सुबह नाबालिग आरोपी का फिजिकल चेकअप जो हुआ था उसके बाद कुछ और तथ्य सामने आ रहे हैं। अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूं। दरअसल यह वही अस्पताल है जहां पर नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को चेंज कर दिया गया था। दरअसल आरोपी का जो सैंपल लिया गया था ब्लड का, वो यही इसी ससून अस्पताल में जांच के लिए लाया गया था, लेकिन जब उस सैंपल की रिपोर्ट आई तो पुलिस भी चौंक गई और पुलिस ने बाकायदा फिर दोबारा रविवार के दिन यहीं पर नाबालिग आरोपी को ले आकर फिर से उसका ब्लड चेकअप ब्लड टेस्ट कराया और ब्लड टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट है वो जो है औंध अस्पताल भेजी गई और औंध अस्पताल में जो रिपोर्ट आई वो बेहद ही शॉकिंग थी, क्योंकि औंध अस्पताल की जो रिपोर्ट थी उसमें साफ तौर पर ये क्लियर था कि नाबालिग आरोपी ने गाड़ी चलाने से पहले काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी थी, लेकिन इसी ससून अस्पताल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये मेंशन था कि आरोपी की रिपोर्ट में कोई भी अल्कोहल नहीं मिला है। इसके बाद यहाँ से पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने दो डॉक्टरों डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्री हरि हल्लोर को गिरफ्तार किया और ऐसे में इस गंभीर मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित की है। 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जिसमें पल्लवी सापले जो कि जे अस्पताल मुंबई का है उसकी डीन है, उनके साथ दो और बड़े डीन जो हैं वो इस कमेटी में शामिल हैं। वो कमेटी करीब 10:30 बजे के आसपास इसी ससून अस्पताल में पहुंचेगी जांच करने के लिए। और पुणे हिट एंड रन मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुणे क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर्स ने मामले में एक स्थानीय जनप्रतिनिधि का नाम लिया। डॉक्टर का आरोप है कि जनप्रतिनिधि के कहने पर ही नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदल दिया गया था। पुणे हिट एंड रन केस के अंदर की कातिल रही जानों के क्राइम की एक और फाइल खुल गई है। ब्लड सैंपल को बदलकर फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का मामला हिट एंड रन मामले के अंदर भी सबसे बड़ा मामला बन चुका है। ब्लड सैंपल बदलकर गलत रिपोर्ट तैयार करने के मामले पर अब नजर महाराष्ट्र की सरकार की भी है और यही वजह है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। ये 3 सदस्यीय समिति पुणे के ससून अस्पताल में जांच के लिए जाएगी। जांच के बाद समिति पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर अजय तावरे ने यह भी बताया कि उन्होंने किसके कहने पर यह रिपोर्ट बदलने का काम किया है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट बदलवाने के लिए राजनीतिक रसूख का भी इस्तेमाल किया गया। पुणे क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक अजित पवार गुट के विधायक सुनील टिंगरे को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सुनील टिंगरे पर आरोप लगा है कि उन्होंने रिपोर्ट बदलवाने के लिए डॉक्टर अजय तावरे को कॉल किया था, यानी सीधे तौर पर यह मामला एक बिल्डर के बेटे को बचाने के लिए सीधे रसूखदार विधायक से पैरवी लगाने का भी बनता है। सवाल तो ये भी उठेगा कि क्या बिल्डर ने राजनीतिक रसूख रखने वालों पर भी अपना खजाना लुटा दिया है ताकि रिपोर्ट बदलवा कर अपने बेटे के दावन पर लगे खून के धब्बों को धुल सके। पुणे क्राइम ब्रांच ने वो 3 लाख रुपए भी जब्त कर लिए हैं जो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट बदलने के लिए दो डॉक्टरों को दिए गए थे। ससून अस्पताल के डॉक्टर श्री हरि हरनोर के पास से 2.5 लाख रुपए जब्त हुए हैं और चपरासी अतुल घाट कामले के पास से 50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में इस चपरासी को भी गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी सिर्फ ब्लड सैंपल बदलने के मामले में ही 3री गिरफ्तारी है। दरअसल जांच में सामने आया है कि अतुल खाट कामले के जरिए ही दोनों डॉक्टरों को पैसा पहुंचाया गया था। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने भी डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्री हरि हरनोर को कारण बताओ नोटिस भी भेज दिया है। ये मामला खुद को कानून से ऊपर समझने वाले रसूखदार लोगों से जुड़ा है जिन्होंने अपना शिकार दो इंजीनियरों को बना डाला। देश के आम लोग कभी भी ऐसे रसूखदार रईस जादों को माफ नहीं करेंगे जो अपनी नजर में आम लोगों की कोई हैसियत नहीं समझते हैं।
और एक तरफ लालू यादव 1 जून की तैयारी में कमर कस रहे हैं, अपने वोट बैंक को जोड़ने के लिए मौलानाओं और पीर बाबा की दरगाहों पर सजदा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव